5 जनवरी को आने वाला है हमारा फ्री फायर एडवांस सर्वर, तो मेरे को हाँ तो वो तो 5 तारीख को आने वाला है, लेकिन आपका भाई उससे पहले ही आप लोगों के लिए पता निकाल के ले आया कि भाई कौन से नई गन, नया कैरेक्टर और कौन से नए मोड्स आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, उन सब चीज़ें वो भी बताऊँगा। और आप लोगों को अब तक पता चल ही चुका होगा 1 जनवरी को आने वाला है हमारा OB37 का VR रैंक सीजन। तो हाँ, नए साल भी आ गया, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और आप चाहो सक आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी हैप्पी न्यू ईयर विश कर देना, क्योंकि मेरे इतने तो फ्रेंड्स नहीं है जो मेरे को हैप्पी न्यू ईयर विश भी करें। आप लोग ही हो जो भी मेरे हो। तो अब अपन बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो अपन लोग बात करते हैं कि भाई जो VR रैंक सीजन चेंज हो रहा है उसमें क्या हमें रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे। तो वो हमें मिलने वाले हैं द हीरोइक ट्रोजन कॉल फॉर यू, मतलब इसमें आप लोगों को दिख रहा है एक तो इमोट है घटिया सा, और एक पैराशूट के सीन है, एक UMP और एक बैच है। अब ये बैच वगैरह क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले ये इमोट है, अब ये इमोट कुछ इतना खास तो नहीं है कि भाई इसको लेने के लिए आपको ना कम से कम दो से चार बार तो हीरोइक जाना पड़ेगा। मुझे अच्छे से पता नहीं, मेरे को जितना पता चला है मैं आपको बता देता हूँ। आपका ना VR और CS दोनों का हीरोइक ना मतलब प्लस होगा, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा कुछ इस टाइप का। फॉर्मिना होने वाला है, मेरे को पता नहीं 100%। और उसके बाद है एक पैराशूट की स्किन। अब गाइस देखो, इस भी एक ना चील टाइप की पैराशूट की स्किन है, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। इसको लेने के लिए ना आपको 6 बार हीरोइक जाना पड़ेगा। अब फिर अब डिसाइड नहीं होता कि भाई आप CS में जाओ या VR में जाओ, वो नॉर्मल चीज़ होती है। अब आपको किस में जाना है वो तो आप डिसाइड कर लेना कि आप कौन से वाले में ज़्यादा पुश कर सकते हो, पर आपको ये लेने के लिए 6 बार भाई 6 टाइम हीरोइक जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा माथा पच्ची होगी। और अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट, और तो वो है हमारी UMP की स्किन। तो ये देखो, ये इसकी रेंज डबल प्लस है, UMP है, अलग कॉन्सेप्ट लग रही है, पर MP5 की तरह दिख रही है मेरे को तो। ये MP5 की स्किन है, UMP की नहीं है, तो कंफ्यूजन मत होना। ये कुछ अजीब सी लगती है ना, इसकी एट्रीब्यूट्स और से भी बढ़िया हैं। इसके एट्रीब्यूट्स हैं डबल रेंज रेट ऑफ फायर प्लस, तो मतलब अलग ही चलेगी आपका, मतलब आप लॉन्ग रेंज में फाइट कर रहे हो या क्लोज में कर रहे हो तो आपका दिक्कत नहीं आने देगी, मतलब संभाल लेगी एक तरीके से, और आगे बढ़ते जाएंगे और बस। और अब अपन लोग बात करते हैं कि अपने जो नेक्स्ट चीज़ है वो कि भाई बैच का क्या होगा। देखो गाइस, ये बैच ना आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। आपको मैं पहले बैच दिखाता हूँ। आप लोगों को चले जाना है अपने प्रोफाइल में, और वहाँ पे नीचे एक बैचेस वाला सेक्शन होता है। बैचेस वाले सेक्शन में जाके जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा एक हीरो, एक वो ये 7 ईयर ओल्ड के नीचे एक अलग सा बैच। ये आपको बोल मतलब इसको पाने के लिए आपको 12 बार हीरोइक जाना पड़ेगा। अब ये 12 बार हीरोइक यानी कि 1 साल लग जाएगा आपको जाते 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 ही, पर आपको बहुत मेहनत करने के बाद ही मिलेगा ये। अपन बात करते हैं अपने आगे की ओर, तो वो है हमारा क्या कि पैरा मतलब एडवांस सर्वर के बारे में क्या क्या डिटेल मिली है, कौन सा नया कैरेक्टर आने वाला है, बंडल गन स्किन क्या क्या आने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो, ये जो एक कैरेक्टर है ना, ये हमारे पोस्टर लीक हुआ है, इसके अंदर बताया जा रहा है क्या क्या आने वाला है। तो अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, मतलब क्या क्या आने वाला है। तो ये एक कैरेक्टर है जो हमारे OB अपडेट में आगे आने वाला है। OB 43 के अपडेट का जो मेन कैरेक्टर होने वाला है वो यही होने वाला है। इसका एक रोबोट है, एंड इसकी स्टोरी दरअसल जैसे मतलब आपको को पता है कि ये कोलैबोरेशन कैरेक्टर नहीं है, एक करीना के द्वारा ऑफिशियल डिज़ाइन किया गया कैरेक्टर, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आलोक के, स्काइलर, ये सब एक रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर कैरेक्टर है, पर ये करीना से खुद से डिज़ाइन किया जाने वाला कैरेक्टर है। तो इसकी भी एक बैक स्टोरी ये होगी कि इसकी एक बैक स्टोरी ये है कि ये ना कोई लैब वगैरह में काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, तो उसका पूरा शरीर अधमरा हो जाता है। तो उसके बाद में इसके एक रोबोटिक AI रोबोट बॉडी लगा दी जाती है, मतलब कनेक्ट कर दी जाती है, इस टाइप की कुछ कहानी। मेरे को पता नहीं कहानी के बारे में, अच्छा। तो और जो गन्स आने वाली है वो गन है एक ये वाली है, मेरे को ये बिजोन लग रही है या फिर क्या यार, मतलब ऑटो शॉट राइफल यानी कि धड़ाधड़ी से गोलियां फायर करने वाली, या फिर लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज, या फिर डिज़ाइनिंग ऑफ मैकेनिज्म, या किस टाइप की गन्स होने वाली, ये रिवील नहीं हुआ है अभी।
बाद में रिवील होएगा तो बात कर लेंगे आगे। और ये एक 4v4 होने वाला है, मतलब किसके अंदर होगा इस चीज़, तो इस चीज़ की तो फुल मीनिंग तो हमें, मतलब फुल डिटेल तो हमें और एडवांस सर्वर आने के बाद ही पता चली। अब देखो एडवांस सर्वर हमारा 5 जनवरी को आने वाला है, तो एडवांस सर्वर तो आता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अब एडवांस सर्वर, आपको एडवांस सर्वर को ओपन करने के लिए ना आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा एक्टिवेशन कोड। तो अगर आपको एक्टिवेशन कोड कैसे लेते हैं ये नहीं पता, तो आप ये मेरे चैनल पर जाके, जो अभी प्रेजेंट वाली वीडियो देख रहे हो आप, तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो जो 2 दिन पहले मैंने अपलोड की थी उसको जाके वॉच कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और देखो आने वाला है तो मैं आपको 3 से 4 तारीख को सारी चीज़ें और बता दूँगा जो जो आने वाली है। तो फिर जब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, शक बाबा, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपका हर ड्रीम पूरा हो। तो फिर टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।